क्या तुम श्योर हो कि बेगम साहब ने कहा कि वो तुम्हारे अम्मी अबू को नहीं जानते? यही कहा उन्होंने। मुझे यकीन है कि अगर वो देख सकती तो जरूर पहचान लेती। कोई बात नहीं, अम्मी अबू भी इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्यों रेहान, मुझे जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे मुझे ये उम्मीद होती है कि वो मेरे अम्मी अब्बू के बारे में मुझे कुछ बता सकता है, तो एक उम्मीद सी जाग जाती है। मैं समझ सकता हूँ, और हर किसी का हक होता है कि वो अपने अम्मी अब्बू के बारे में जाने। मैं भी अपने अब्बू के बारे में कुछ नहीं जानता। उनके बारे में जानने की कोशिश तो की, पर आपकी अम्मी जान मुबारक। उनसे भी हम दोनों का दर्द एक सा है, शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम उनसे कभी मिले ही नहीं जिनसे हमारा वजूद है इस दुनिया में। कभी देखा ही नहीं उन्हें। कुछ जानती हूँ मैं अपनी अब्बू के बारे में, सिर्फ मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। और वो भी आधा अधूरा सा बताती है हमेशा। बस इतना बताती है कि सब लोग भोपाल में रहते थे, बहुत बड़ी हवेली थी हमारी, अब्बू का अच्छा खासा बिजनेस था, हम बहुत रईस थे। इससे ज्यादा मैं कुछ भी पूछती हूँ तो वो टाल देती। लेकिन रेहान, मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, ते रईस थे हम लोग, तो क्या हो गया अचानक? कहाँ चला गया वो सब? वजह जानना चाहती हूँ रेहान, जिसके चलते मेरी बड़ी अम्मी को सब कुछ छोड़ के मुझे और हया को लेकर भोपाल से पंजाब जाना पड़ा। क्या मैं चाहती वो? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? Let's go back to the party. वैसे भी हम रॉकिंग पार्टी छोड़कर यहाँ पर आए, और हम जिस काम के रहे वो काम हम करके ही जाएंगे। यार तुम लोग प्लीज। बिल्कुल, आखिर हम भी तो देखें कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। What's the problem, dude? तुझे सिर्फ हमें भाभी से एक बार मिलाना ही तो है, उसके बाद हम लव बर्ड्स को अकेले छोड़कर चले आएंगे। और वैसे भी हमारा कबाब में हड्डी बनने का कोई इंटेंशन नहीं है। कबाब से मुझे याद है, यहाँ पर एक बहुत बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, फैंटास्टिक कबाब। एक काम करते वहीं चलते, यहाँ पर तो कुछ कम कम। हेलो, खाने नहीं आए हम। जब तक तू हमें भाभी से मिला नहीं देता, हम कहीं नहीं जाने वाले। और वैसे भी हम यहाँ कबाब खाने नहीं आए, हम यहाँ जो काम करना है वो काम करके ही जाएंगे। तुम लोग प्लीज, हमें भाभी से मिलना है। कम ऑन, वी वांट टू मीट हर। वी वांट टू मीट हर। ऑल राइट, बट तुम लोग यहाँ बैठो क्वाइटली, मैं बुला कर लाता हूँ।
भाभी को. But we want to meet her. Okay, okay. Just sit. Just sit. माफ कीजिएगा, मैं भी यूं ही अपनी कहानियां लेके बैठ जाती हूँ. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. वैसे भी कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और कम बांटने से कम होता है. अम्मी अब्बू के साये के बिना जिंदगी किस तरह बीतती है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं. सनम, मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में जानने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं सब करूंगा. शुक्रिया रेहान, आप नहीं जानते मेरे लिए कितनी बड़ी बात है. रेहान, मुझे एक बार कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरी अम्मी अब्बू के बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानता, उसके बाद मैं खुद सब कुछ जान जाऊंगी, मैं खुद सब पता कर लूंगी. मैं पूरी कोशिश करूंगा सना. मिलवाओ ना. हाँ हेल, मिलवाओ ना. कम देयर शी इज. गाइस, दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ सना. Hello, friends. Hi. Assalamu alaikum. You know what, guys? Yehi hai wo, jisne mera dil churaya. Jinki badi badi aankhon ne mere upar jadoo sa kar diya. Aur apni khoobsurti se. अपनी खूबसूरती से मुझे अपने जाल में फंसा दिया, right? Ooh, I can see. और हाँ, तुम एक काम करो, फ्रेंड्स के लिए डिनर अरेंज करो. और कुछ आहिल भाई? नहीं, that's it. And hurry up, पूरी रात तो है नहीं हमारे पास. All right. Quickly. Kya ho? Is there a problem? Nahi? You know what, guys? Meri zindagi mein sabse behtareen cheez aapko pata hai kya hui hai? Meri shaadi Sanam se. Let me tell you. Bas thoda waqt bitao inke saath. Pata chal jayega. She's so much of fun to be with. Am I right?
रेहान तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं आहिल भाई, मैं संभालूंगा। आई सेड यू कैन लीव, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। और याद रहे, कल सुबह जो फाइल्स मैंने कही लाने के लिए, वो जरूर लेकर आना। डोंट फॉरगेट। कम ऑन गाइस, तुम लोग देख क्या रहे हो? खाना शुरू करो। और हाँ, खाने के साथ साथ उंगलियां मत खा जाना। आई कैन बेट यू गाइस कि तुम लोगों ने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया होगा, क्योंकि ये खाना मेरी वाइफ, मेरी जान, मेरी सनम ने बनाया है। Oh, wow, really? Absolutely. Don't tell me, Sanam. You have cooked this all by yourself? Yeah. Myself cook. Come on, sweetheart. Join us. Or do you prefer eating with your husband? guys, हिंदी में बात करो, इसकी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची है। What? अरे गांव से आई है, नेचुरली कच्ची होगी। पहले यहाँ पर कुक थी। लेकिन गांव में इसका एक ढाबा जरूर था। क्या ढाबे का नाम क्या था तुम्हारा? सनम दा ढाबा। वाओ, इट्स अमेजिंग। तुम दोनों साथ कैसे हो? यू नो व्हाट, क्या हो? कुछ नहीं। नथिंग। देखो ना, प्यार अंधा होता, प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता, बस कमबख्त हो ही जाता। अब ये रोमांस और लव की बातें हो ही रही हैं, तो क्यों ना इस मोमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ म्यूजिक म्यूजिक होना चाहिए। लेट्स डांस गाइस। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाउ अबाउट इट? मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़िए। तकलीफ हो रही है? तब तकलीफ नहीं हो रही थी जब रेहान तुम्हें छू रहा था? क्या उसे इजाजत है? हाँ, इतनी घटिया सोच आपकी हो भी कैसे सकती है? और आपको क्या फर्क पड़ता है मैं किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ? ये मत भूलिए, मैं आपकी असली बीवी नहीं हूँ। अनबिलीवेबल। एक बात ध्यान रहे, मेरे दोस्तों के सामने इस निकाह का मजाक मत बनाओ। Do you get it? Hey Ahil, no drinks यार। बिना ड्रिंक्स के पार्टी में मजा कैसे आएगा? एक काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ। Relax, कल मंगवा लेंगे।
क्या आप शराब पीना छोड़ नहीं सकते? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? शुक्र है अल्लाह का, उस जल्लाद जिन ने मेरी कोई तो बात मानी। बेगम साहिबा, आप यहाँ अपनी तन्हाई से बातें कर रहे हैं? अरे आपको तो वहां पूल के पास होना चाहिए। वो तुमने कहावत तो सुनी होगी, कहते हैं ना कि बरसों सांप चंदन के पेड़ पर लिपटा रहे पर चंदन के पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेगम साहिबा, तुमने तो चंदन में भी जहर मिला दिया। अरे इतने बरस साहिल तुम्हारे साथ रहकर इतना गुस्से वाला, इतना बिगड़ैल हो गया है कि अल्लाह कसम कोई कह ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा असली बेटा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेगम साहिबा, और सच्ची बताना, ये आहिल को ऐसा तुमने जानबूझकर बनाया है ना? पर एक बात समझ में नहीं आती बेगम साहब, वो मुझे समझा दीजिए। ये पराए बच्चे से इतनी मोहब्बत है? बेगम साहब, बेगम साहिबा, मैं भी कमाल ही हूँ, कहाँ आहिल की बातें लेकर बैठ गई। अच्छा वो बताइए कि आपका अपना सगा बेटा कहाँ है? वो तुम्हारा और अब तुमने भी ना बेगम साहिबा घाट घाट का पानी पिया है तो पता ही नहीं किसका बच्चा है। याद आया। नजमा के शौहर इमरान का। हाँ। अरे कहाँ है आखिर वो तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले हैं, वो है कहाँ? मैंने सुना था कि किसी यतीम खाने में पल रहा है। बस करो रजिया भी, बस करो। कहते हैं कि मांझा अगर बहुत तेज हो ना तो अक्सर हाथ कट जाया करता, और अगर जुबान बहुत तेज हो तो ये जो गला है ना, गला कट जाया करता। इसलिए अपनी जुबान पर जरा काबू रखो भी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे बचे कुछ दिन है ना वो भी हम तुमसे छीन लें। अरे 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 माफ कर दो बिल्लो रानी। अरे बेगम साहिबा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ कि तुमने सब कितनी खूबसूरती से संभाल लिया है। अंधे होते हुए एक रईस नवाब से निकाह किया, उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में इस कदर कर लिया कि आज वक्त आने पर वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर सके। वाह वाह बेगम साहिबा। और सबसे मजेदार बात तो ये कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। अब बताओ, इस सब पर तो यकीन करना मुश्किल है ही ना, है? लेकिन एक बात सोचो, अगर आखिरी वक्त पर कुछ गड़बड़ हो गई तो अब कौन जाने कि कब कौन सी दीवार कोई रास बता दे। आ!
हाय अल्लाह, पैर पे गिर जाती। ये क्या है? लेकिन मुझे कैसे पता था कि दरवाजा है?